व्हाट्सअप एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर माय न्यू व्लॉग। आज मैं एक नए वीडियो के साथ और आज मैं हुआ हूँ रायपुर के दूधाधारी मठ में। और फ्रेंड यहाँ पे ना सीता माता की बहुत से मतलब कुछ सी ऐसी चीज़ें हैं और मेरे को तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मैं अंदर में पंडित जी से पूछ के बताऊँगा, तो चलते हैं अंदर, लेट्स गो। पंडित जी हमें यहाँ पे इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दो कि क्या है, कैसे और कौन से भगवान का है, तो थोड़ा जानकारी दे। यह मंदिर ऐसा है, 500 साल लगभग हो रहा है। यहाँ का मुख्य मंदिर श्री हनुमान जी है, उसके पश्चात फिर बालाजी, बालाजी के पश्चात फिर राम जी। ऐसे यहाँ का जो निर्माण करता था पंडित, वो अपना दूध पी करके साधन किया और साधन के बल में ये सब हम लोगों आज दर्शन कर रहे हैं उनके कृपा से, तो इसलिए इसका नाम दूधाधारी पड़ा। और जो वहाँ पे पेड़ लगा है वो क्या है, कैसे है, थोड़ा सा बताइए। वह ऐसा है, बताते हैं हम लोग, अब क्या जानेंगे। हमारे जो पहले रहा गुरु जी ने, वो अपना दतवन घस करके वहाँ पे गड़ा दिया, तो गड़ा दिया तो वहाँ पे पेड़ जब बन गया, पेड़ जग गया, ऐसे बताते हैं। और जो लीम झाड़ के आगे है वह समाधि स्थल है, उसी का नाम दूधाधारी है और यहाँ का मुखिया वही है। धन्यवाद पंडित जी, जो आप मुझे इस मंदिर के लिए जानकारी दिए, और अभी मैं आपको ले चलता हूँ। तो
तो फ्रेंड अभी मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो राम सेतु का निर्माण हुआ था जब, तो वही वाला पत्थर यहाँ पे है, आइए आपको दिखाता हूँ। दातून घस के जो गड़ाए थे, जो अभी पेड़ बन चुका है नीम का, आप देख सकते हो ये कितना बड़ा पेड़ हो चुका है। तो चलते हैं आगे। और ये मानसिया का रसोईया घर है, तो अभी चलते हैं अंदर। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको दूधाधारी मठ और अंदर के सियाराम जी, कमेंट में बता देना। और मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग आशीर्वाद ले लेना सियाराम जी का, मैंने भी ले लिया आशीर्वाद, और आप लोग भी अपने आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखना। एंड इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।